है गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग ये वीडियो देखो। तो मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ और आज कार का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम मतलब कार का इंस्पेक्शन है और उसके लिए जा रहे हैं अभी। चाबी कहाँ रखी मैंने गाड़ी की? हाँ, तो कार का इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन मतलब हर एक साल में गाड़ी को रिन्यू कराना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने से पहले आपको गाड़ी को इंस्पेक्ट कराना पड़ता है कि गाड़ी रोड पर चलने लायक है या नहीं है। तो वही कराने के लिए जा रहा हूँ अभी ऑफिस से सीधे, क्योंकि वर्किंग आवर्स ऑलरेडी कम हो जाते हैं रमजान में। देखते हैं, चलो। सो यूएई में गाड़ी पासिंग का फंडा ये है कि हर एक साल में आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है, जो आई थिंक सारे बाकी कंट्रीज़ में भी है, लेकिन यूएई में उसके लिए हर बार आपको टेस्ट देना पड़ता है। मतलब हर एक साल में जब भी आप गाड़ी पास कराओगे तो आपको गाड़ी को पहले इंस्पेक्ट करवाना पड़ता है, गाड़ी चलने की कंडीशन में है या नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, आपको गाड़ी का इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो कि कुछ पिछले एक साल वाला जो इंश्योरेंस है वो अगर एक्सपायर हो गया है तो, नहीं तो उसे रिन्यू करा सकते हैं आप। तीसरा स्टेप है, आपको अबू धाबी ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड कलेक्ट करना पड़ता है। सो अभी मैं आ गया हूँ व्हीकल इंस्पेक्शन वाले एरिया में। एक्चुअली व्हीकल इंस्पेक्शन एरियाज काफ़ी जगह पर हैं, जहाँ पर भी एडनॉक जो इनकी पेट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उन्हीं के अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन और व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स रहते हैं। तो उन्हीं में से एक में अभी मैं आया हूँ। यहाँ पे आप पे करके इसके बाद अंदर पे गाड़ी इंस्पेक्ट होती है। तो चलिए देखते हैं, अभी आगे एक सर करवा रहे हैं, इसके बाद अपना नंबर आएगा। आई थिंक कैश पे करना पड़ता है, अराउंड 165 दिरहम या ऐसा कुछ चार्ज है, आई एम नॉट श्योर। चलो अभी देखते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन हो गया है, परचेज 165 दिरहम का। अभी नंबर में लगे हैं, वो वाली गाड़ी इंस्पेक्ट हो रही है, उसके बाद अपना नंबर है। मोमेंट्स लेटर, सो कार ने अपना एग्जाम दे दिया है और आई थिंक पता नहीं पास है या फेल है, उसका कंफर्म नहीं है। अभी अंदर जाके रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। अंदर का कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने मना किया था। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, उसके बाद इंश्योरेंस, और अगर आपके कुछ ट्रैफिक के कोई फाइन है पिछले ओवर स्पीडिंग के या कोई भी और फाइन है तो वो सारे फाइन आपको क्लियर करने पड़ेंगे पहले रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने से पहले। आई थिंक मेरे पास एक फाइन है ओवर स्पीडिंग का, नहीं होना चाहिए था लेकिन बाई मिस्टेक से है। उसके देने पड़ेंगे पैसे और इंश्योरेंस की कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर गाड़ी पास होती है तो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, मेरे पास है नहीं वॉलेट में, वो आपको मिल जाएगा रिन्यूड वाला। वैसे मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है 31 ऑफ मई को, और 31 ऑफ मई के बाद आपको एक महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है इनकेस अगर आपकी कार में कोई ख़राबी है तो आप उसे सही करवा सकते हो, और वो एक महीना इंश्योरेंस कवर करता है। तो जो हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं वो 13 मंथ्स का होता है, और जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है वो 12 महीने का होता है। वो एक महीने के ग्रेस पीरियड में आप अपनी कार सही करा के फिर से इंस्पेक्शन के लिए आके उसे पास करवा के फिर अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा सकते हो। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। अभी मैं इसके फर्स्ट स्टेप पे हूँ, मैंने गाड़ी टेस्ट के लिए दी थी, आई होप पास हो गई है। तो अब जाके उसकी रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और फिर फाइन पे करना है, इंश्योरेंस कंफर्म करना है और रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर आपका इंश्योरेंस और ड्राइविंग क्या कहते हैं गाड़ी पास हो जाती है और सब कुछ, तो आप डायरेक्टली इधर इस मशीन पर आके खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ले सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी डिटेल्स एंटर करो, इमरेट्स आईडी डालो, अपनी गाड़ी की डिटेल्स एंटर करो और अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करके ले लो, बस उसमें पैसे डालने पड़ते हैं। सिंपल, ऑसम।
गाड़ी का टेस्ट हो गया कंप्लीट और गाड़ी हो गई है पास। तो अब जब गाड़ी पास हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप इंश्योरेंस कंफर्म करो। इंश्योरेंस की मेरी बात चल रही है इंश्योरेंस वाली कंपनी से, तो उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट मांगा है, उन्हें बस वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उसके बाद इंश्योरेंस आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल पूरी की पूरी प्रोसेस देखें तो आई थिंक आधे घंटे में सब हो जाएगा, मे बी आधे घंटे से भी कम है। आज मैं इधर आया नहीं क्योंकि अभी मुझे इंश्योरेंस को डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वो भेज के कल मैं फिर इधर आके आपको ऑनलाइन वाली प्रोसेस भी दिखाऊंगा। हे गाइस, स्वागत, वेलकम बैक। आज कार रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का दूसरा दिन है और बस अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, तो चलते हैं। बहुत गर्म है, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर दिखाऊँ आपको मैं, एक मिनट। फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस हो रखा है। सो कल मैंने गाड़ी पास करवाई और इंश्योरेंस वालों से बात की, उनको जो डॉक्यूमेंट भेजना था वो भेजा, कंफर्म हो गया। इंश्योरेंस की डिटेल्स उन लोगों ने मेरी गाड़ी के चेसिस नंबर पे और मेरी इमरेट्स आईडी पे अपडेट कर दिया है, तो अभी बस जाना। हाँ, और फाइन था 700 दिरहम का फाइन था एक ओवर स्पीडिंग का। पिछले साल अगस्त आई थिंक 17-18 अगस्त का था, दुबई लेन रोड पे एक कैमरा फ्लैश हुआ था, उसको वो फाइन दिए बिना गाड़ी रजिस्टर रिन्यू नहीं हो सकती, तो वो फाइन दे दिया अभी। और अब जाके केओस मशीन पे डिटेल्स डाल के बस अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना है, क्योंकि इंश्योरेंस की जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से है, तो अगर आज रजिस्टर कर दिया तो इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन साथ साथ चलेगा। वैसे इंश्योरेंस में दो दिन का ग्रेस पीरियड होता है, अगर कल भी रजिस्टर करूँ तो इंश्योरेंस वैलिड होगा फिर भी। तो चलो आपको दिखाते हैं प्रोसेस। आधार कार्ड डाल के नंबर ऑफ फाइन आउटस्टैंडिंग फाइन अमाउंट 0000 पे फाइन, ऑल गुड। रिन्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लॉस व्हीकल रजिस्ट्रेशन, डैमेज व्हीकल रजिस्ट्रेशन, फाइन पेमेंट, रिन्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन। So let's put card in there. Enter pin, pin entered, processing.
हाँ सलाम। और ये मेरा कार का रजिस्ट्रेशन कार्ड बन के बाहर आ गया है इस मशीन से, मैक्सिमम 5 मिनट में। सो ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस यूएई में, स्पेशली अबू धाबी इमरेट में अपनी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की, किस तरीके से आप अपनी कार की पासिंग करवाते हैं। इंश्योरेंस के मामले में आपके पास दो ऑप्शन है, आप फुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं जो सब कुछ कवर करता है, वो थोड़ा महंगा होता है, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं जो काफ़ी कम डिटेल्स कवर करता है। और मैंने फुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव वाला लिया था, उसकी डिटेल्स अपडेट हुई फिर मैं इधर आया। मैं वो सेम डे में भी कर सकता था लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट मिस कर दिया था इंश्योरेंस के लिए, वो मैंने अपडेट किया। इधर आया मशीन में, डिटेल्स ऑलरेडी जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है यूएई का, इमरेट्स आईडी कार्ड, उसमें आपकी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशनड होती हैं, तो वो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस से भी लिंक होता है, तो आपकी सारी की सारी कार डिटेल ऑटोमेटिकली उससे लिंक होती हैं, आप उससे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मैं इस मशीन पर आया, मैंने अपनी इमरेट्स आईडी डाली, उसने ऑटोमेटिकली कार की डिटेल्स को सेलेक्ट किया, मेरा कोई फाइन नहीं था जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका था, इट हर्ट्स। वो पे करने के बाद मैंने अपनी डिटेल्स एंटर की, जो रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने की अमाउंट होती है वो 350 दिरहम है, जो रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने की अमाउंट है वो 350 दिरहम है। वो कार्ड से आप पे करो, 2 मिनट वेट करो, आपका कार्ड मशीन के अंदर से प्रिंट होके बाहर आ जाता है। उसी मशीन में आप अबू धाबी पुलिस की बाकी सारी ई सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, उस मशीन में आप अपनी डिटेल्स एंटर करके, इमरेट्स आईडी और बाकी सारी चीज़ें एंटर करके नीचे से सर्टिफिकेट तक भी प्रिंट कर सकते हैं। काफ़ी एडवांस के उस मशीन है, यूजुअली वेंडिंग मशीन से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और पानी मिलता है, इधर रजिस्ट्रेशन कार्ड और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं इन फ्यूचर, तो बने रहिए। चलिए बाय।